हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह और मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं अपनी स्विफ्ट ZXi प्लस ऑटोमेटिक का एक खुद का ओनरशिप रिव्यू। बहुत टाइम से सोच रहा था बट मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो उसी को लेके मैं आज आपके सामने अपनी स्विफ्ट ZXi प्लस को अपने आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो कि टाइम हो चुका है। मैंने ली थी, ये 19 का मॉडल है और मैंने 20 में ली थी, मार्च में, लॉकडाउन से पहले। तो फ्रेंड्स, ये आपके साथ ओवरलुक है एक गाड़ी का, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर आपको करता हूँ स्टार्ट। तो ये अपनी 2019 की है, ZXi प्लस टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक डीजल में। इसकी आगे से अगर ग्रिल की बात करें तो कुछ ऐसी आपको दिखेगी और आगे आपको सुजुकी को लोगो दिखेगा, बाकी की इसमें वो ग्रिल नहीं आती है जो अब नई वाली में आ रखी है। यहाँ पे आपकी जो हेडलैम्प मिलेंगी, इसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, उसके बाद में आपकी डेटा एंड रनिंग लाइट मिल जाती हैं, नीचे आपकी फॉग लैंप मिल जाएंगे अगर आप देखोगे तो। और आपका जो है, अगर इस इधर से आपको दिखाएं तो आपकी टायर की बात करें तो इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील हैं इसमें आपके। और आपको इधर अपना दिखाते हैं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, आपको फॉग लैंप आके दिखेंगे, बाकी की नीचे से कुछ लुक ऐसा दिखेगा आपका। और आपको साइड्स प्रोफाइल दिखाते हैं, ये आपको वही 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील जो कंपनी से आते हैं, मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। यहाँ पे DDIS की आपको बैजिंग मिल जाती है जो कि डीजल इंजन की बैजिंग है। इसके बाद में ORPM आ जाता है, बॉडी कलर है बट इस पर आपका टर्न इंडिकेटर आ जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा लुक दिखेगा आपका साइड से, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, बाकी की मैंने एक आर्मरेस्ट लगाया आफ्टर मार्केट और मैंने कुछ नहीं लगाया इसमें। यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाता है, ये आपका वन टच आपका जो है अंदर जाने के लिए, आपको चाबी जेब में रखी है और आप अंदर जा सकते हो अपना जो भी इसे टच करके। और यहाँ पे मैनुअल की का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप मैनुअल की से भी जा सकते हो, बाकी की रिमोट तो आपका चल ही रहा है। और ये साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखेगी आपकी। और यहाँ पे आपका दोस्तों, यहाँ पे आपको ये खोलने का मिलेगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी जब गाड़ी में बैठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि हैंडल कहाँ पे है, वो सोचते हैं पीछे डोर पे होगा बट फिर बताना पड़ता है। पीछे भी इसी तरीके का आपका 15 इंचेस का अलॉय व्हील आपका मिलेगा जो, तो पीछे की प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे की प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ये आपकी टॉप मॉडल की जो भी लाइट है वो आपकी दिखेगी। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे रूफ रेल नहीं आती है, नॉर्मल एंटीने से जो दूसरा वाला एंटीना आता है वो आता है, काफ़ी अच्छा है ये। इसके बाद में आपको ये वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऊपर भी हाई माउंटेन लैंप मिल जाता है। इधर से आप देखेंगे तो ये आपका वही है, टॉप मॉडल वाली है तो काफ़ी अच्छी लगती है। नाइट का मैं लुक आपको दिखा दूंगा किसी दिन। तो यहाँ पे आपकी स्विफ्ट की बैजिंग मिलती है और अपने यहाँ पे सुजुकी का, बट वेरिएंट का कोई बैजिंग यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपका अगर गाड़ी इधर से देखेंगे तो कुछ प्रोफाइल ऐसी दिखेगी आपकी, बाकी की मैं अंदर बूट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैग्नेट का आपका बटन है जिसे आप प्रेस करेंगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा और आपका इस तरीके से बूट अनलॉक हो जाएगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत से लोग दिखाते नहीं है वीडियो में। ये आपका वो है, इसे प्रेस करने के बाद में आपका बूट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ग्रैप हैंडल है, अगर आपको बंद करना हो दोनों साइड ग्रैप हैंडल दिए गए हैं अगर आप देखना चाहोगे तो। इसमें दोस्तों पार्सल ट्रे भी आपको मिलती है जो कि टॉप मॉडल है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसमें कोई भी चीज़ की आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें पार्सल ट्रे भी आपको मिलेगी अगर आप देख रहे होंगे तो, ये बाकी की ऐसे फोल्ड हो जाती है अपना, बट मैंने ये कर नहीं रखी, पिछली टाइम मैंने कुछ इसमें सामान रखा था उसकी वजह से, तो ये आपकी ऐसे फोल्ड हो जाती है। और अपना अगर इसमें देखेंगे तो आपका ये अपना इसमें बूट लैंप मिल जाता है, यहाँ पे हुक मिल जाता है कुछ टांगना हो तो, इधर नहीं मिलता, इसके अंदर आपको जो है जैक मिल जाता है, यहाँ पे फिट हो जाता है जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये अपना टूल किट मिल जाती है और ये आपको फर्स्ट एड किट है, टूल किट आपको ये मिल गई। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो R14 14 इंचेस का एक साइज का आपको इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। बाकी की ये कंपनी से मेरे को ट्रे दी थी जबकि वैसे नहीं देते नॉर्मल गाड़ियों में, ये आपका इस तरीके से कुछ वो दिखेगा आपका। तो टायर है आपका एक साइज कम है बट अभी तक मेरा यूज नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन था तो बहुत ज़्यादा चली नहीं है। तो मैं अब आपको दोस्तों अंदर से साइड से प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो बाकी की मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि और क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं बाकी की।
तो दोस्तों अंदर जाने के लिए मैंने यहाँ से खोल लिया। इसके बाद यहाँ पे आपकी चारों पावर विंडो आपको मिल जाती हैं। ये ऑटो मिलती है ड्राइवर साइड वाली जो है, यहाँ लॉक और अनलॉक का आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपके चारों डोर को लॉक करने के लिए जो मिरर है उसको लॉक करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके बाद में अंदर बैठते हैं और आपको अंदर से मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ अपना जो। तो गाड़ी मैं ऑन कर लेता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखेगा गाड़ी का, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल है, गाड़ी अभी न्यूट्रल दिखेगी क्योंकि ऑटोमेटिक है। फ्यूल अभी थोड़ा कम है तो फ्यूल मैं अभी यहाँ पे डलवाऊँगा जाके, क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन में गाड़ी खड़ी है, पिछले हफ्ते मैं कहीं से आया था तो उसकी वजह से। अब अगर मैं आपको देखूँ तो ये आपका आरपीएम मीटर है, ये आपका स्पीडोमीटर है, ऑयल का यहाँ पे आपको दिखता है, फ्यूल का गेज यहाँ पे दिखेगा। रेंज आपको अभी कुछ नहीं दिख रही है, न्यूट्रल गाड़ी है, टाइम ही हो रहा है, 33% का वो आपका आ रखा है। यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं तो कितनी चली है मेरी गाड़ी, एवरेज 25.2 का दिखा रही है, क्योंकि डीजल है तो काफ़ी अच्छा एवरेज इसमें आपको मिल जाता है। टोटल किलोमीटर और मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आपकी चल चुकी है। टोटल किलोमीटर आपका 559, ये आपका ट्रिप है, आपका टोटल किलोमीटर आपका ये 12,545 अभी आपका चला है टोटल किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर ये है आपका, बाकी की यहाँ पे अपना ये क्रोम में आपको मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इधर मिल जाता है, पार्किंग सेंसर आपका यहाँ मिल जाता है, लाइट को एडजस्ट करने का इधर आपको मिल जाता है। थोड़ा भी अंधेरा सा है क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है तो उसकी वजह से शायद आपको क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। बाकी की ये आपका 8 इंचेस का इसमें मिलता है आपको, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपका, 8 इंचेस का मिलता है, टच स्क्रीन है आपका, बहुत इजीली टच करता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें आपको मिलता है, नेविगेशन भी मिलती है आपको। बाकी की ये आपका एसी आपको मिलता है यहाँ पे, क्लाइमेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, आपको डिफॉगर मिल जाते हैं आगे पीछे दोनों तरफ, और आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप अपना चार्जर लगा सकते हैं, और इधर देखें तो इधर आपका ऑक्स मिल जाती है, ऑक्स है, एक USB का ऑप्शन है, इधर दो चीज़ आपको मिल जाती हैं। तो बाकी की इसमें आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, आर्मरेस्ट मैंने यहाँ पे लगवाया, ये अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बाहर से लकड़ी का लगवाया, इसे रिमूवेबल है, कभी भी हटा सकते हो, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है बट ठीक है, गाड़ी में होना चाहिए लंबे टूर पे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इसमें क्या है कि आपका जो है ऑटोमेटिक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ज़रूरत पड़ती है आपको जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपका पार्किंग कैमरा भी है जो कि पीछे है, पार्किंग सेंसर भी है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, 4 पार्किंग सेंसर हैं क्योंकि टॉप मॉडल गाड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये आपका रिवर्स लगता है, रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो कैमरा ऑन हो चुका है, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत लो क्लियरिटी हो। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब राउंड 1 में लग गई, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1D दिखा रहा है आपका, तो आपको इस तरीके से कुछ देखेगा। उसके बाद में आपकी न्यूट्रल, अगर यहाँ पे न्यूट्रल कर दोगे, बाकी की अगर आपको मैनुअल में चलानी है तो मैनुअल में इधर करके ये मैनुअल में आ गई, M और D, डी मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल मतलब मैनुअल, ये आपका जो डी मतलब ड्राइव और एम माने मैनुअल, यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो आपका गियर यहाँ पे चेंज होता रहेगा, बट अभी गाड़ी रुकी हुई है तो इसलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं। बाकी की दोस्तों फीचर्स की अगर बात करें, फुल्ली लोडेड गाड़ी है, मेरे को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका जो है डे नाइट ORVM मिल जाता है, बट इसमें क्या है कि ये ऑटो नहीं है आपका, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। इधर अगर आपका देखें तो इधर आपका इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, और बाकी की इधर की बात करें तो इधर आपका जो है यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया हुआ है, तो अपना जो कोई अगर बैठा है तो वो अपना फेस वगैरह देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की यहाँ पे क्लू बॉक्स की अगर बात करें, ग्लो बॉक्स की, तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, बट ये है थोड़ा सा कि इसमें क्या है कि इन्होंने मतलब कूल ग्लस बॉक्स नहीं दिया जैसे टॉप मॉडल है, और यहाँ पे आपके जो है ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉइस का है, यहाँ पे म्यूट का, और यहाँ पे अपना फ़ोन के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। बाकी की फुल्ली लोडेड गाड़ी है, मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही कि ये है, बट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है इसमें, मतलब यहाँ पे अगर आपका क्रूज कंट्रोल और होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि क्रूज कंट्रोल आजकल मतलब बहुत ज़्यादा
फीचर मतलब वो हो चुका है, तो आज के टाइम में होना चाहिए। बाकी की यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपका ये ऑटो तो नहीं है, सीट एडजस्टेबल होता ही है, बट ये हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो इसकी। और यहाँ पे अपना फ्यूल गेज है, यहाँ पे अपना बॉनेट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1250 cc का इंजन है इसका जो, तो काफ़ी अच्छी पावर निकालता है, मेरे को कभी पावर की दिक्कत हुई नहीं इसमें जो। बाकी की आपको भी दिखा देता हूँ मैं, अभी BHP वगैरह मेरे को मैंने देखा था, बट मेरे को अभी उसका बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं BHP वगैरह का, क्योंकि मैं आपको BHP वगैरह थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो कोशिश करूंगा जल्दी ही मैं उसको मतलब जो आपको आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूंगा, जो भी मैं ओनर से प्रीव्यू लाऊंगा। ये नीट क्लीन इंजन है, अभी अप्रॉक्स 1.5 साल के आसपास हो चुकी है, तो अपना ये बैटरी है। बाकी की इंजन कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि 1250 cc का डीजल इंजन है। इसमें मेरे को एवरेज काफ़ी अच्छा मिलता है, 28.5 का कंपनी क्लेम करती है, बट मैं इससे 29 तक का एवरेज इससे निकाल चुका हूँ। ये थोड़ा वायर वगैरह ये चूहों ने काट दी है, बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में खड़ी ही रही थी गाड़ी जो। बाकी की मेरे को दोस्तों कोई दिक्कत आई नहीं, और तो बढ़िया है। तो बाकी की मैं आपको एक बार पीछे का स्पेस और दिखा देता हूँ, जो कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि स्पेस कम है, स्पेस कम है, बट मेरे हिसाब से स्पेस में कोई ऐसा खास कोई दिक्कत है नहीं जो। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि कितना स्पेस है। अब मेरे हिसाब से एडजस्ट हो रखी है, 5.5 इंचेस मेरी वो है, और अगर मैं यहाँ पे अगर बैठता हूँ तो आप देखोगे तो काफ़ी स्पेस है अगर देखा जाए तो। और बाकी की यहाँ पर मतलब 3 तो नहीं, 2 कंफर्टेबल और 1 हाफ बैठ सकता है, बाकी की एडजस्टेबल इसके आर्मरेस्ट हैं, तो अपना जो है कैसे ही भी एडजस्ट आप कर सकते हो। अगर देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना कैसे ही भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, बाकी ये अपना ऐसे खड़े हो जाते हैं। और बाकी की तो दोस्तों पीछे से कुछ लुक ऐसा दिखेगा गाड़ी का आपको, ऑटोमेटिक है आपका, मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपका क्लच तो है नहीं, सिर्फ रेस और ब्रेक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये चीज़ भी, जो कि शायद इतना हो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो सिर्फ यहाँ पे क्लिच और ब्रेक ही है आपका, बाकी की कुछ नहीं है। और मैंने जो बीच में मिसिंग कर दिया था, मैं आपको अब लास्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना 2 पार्किंग सेंसर है ये रहा, और कैमरा अपना इसके अंदर है, कैमरा अपना यहाँ पे मिलता है इसका, ये रहा, ये यहाँ पे कैमरा है अपना, आपको शायद दिखाई दिख गया होगा ये रहा। तो इस तरीके से दोस्तों, बाकी की तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन होता है तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। सर्विसेज वगैरह का मैं नेक्स्ट उसमें लेके आऊँगा, अभी तक का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कितनी कॉस्ट रही है क्या है। वैसे तो मैंने बना दिया है, बट फिर भी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। इस तरीके से अपना कुछ गाड़ी दिखेगी, बाकी की अगर कुछ सवाल और वो होंगे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वो लिंक कमेंट्स में आप बोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अपना और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा। तो करते हैं दोस्तों इसी वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। तो थैंक यू सो मच।